कराची में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कोरोना से रिकवर होने वाले 20 अहलकार ने अपना प्लाज्मा अदा करने का ऐलान कर दिया है। इसी बारे में मजीद बताएंगे नजीर शाह। जगह में इस वक्त स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ, जहाँ 50 से जायद कमांडोज और जवानों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद अब 25 के करीब ऐसे एहलकार हैं जो रिकवर होकर न सिर्फ अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं बल्कि फील्ड में आ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर शौकत, हम इनसे बात करते हैं। कोरोना यहाँ टेस्ट हुआ था, उसमें बताया था कि डिटेक्ट है, फिर मैं 16-17 दिन के लिए क्वारंटीन किया मैंने, उसके बाद मुकम्मल तौर पर फिट हो गया, दोबारा टेस्ट करवाया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैं मेरा टेस्ट सही आया, अब मैं वापस ड्यूटी पे आ गया। इंशाल्लाह कुछ नहीं है, लड़ना है इससे और फाइट करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। 12 तारीख को मेरा टेस्ट हुआ था, 13 को मेरा रिजल्ट आई, तो 29 तक मैं क्वारंटाइन रहा, जिसके बाद अल्लाह ताला ने सेहतियाँ भी दी है और हम अल्हम्दुलिल्लाह अफसरान ने बड़ी बड़ी हेल्प की है और उसके बाद हमने जो ड्यूटी अगेन ज्वाइन कर ली। प्लाज्मा डोनेट करना होगा या किसी की और की मदद हम कर सकेंगे हम बिल्कुल करें। और उनका यही कहना है कि बाला अफसरान के अहकाम पर अमल करते हुए न सिर्फ अपनी ड्यूटियों को ज्वाइन कर चुके हैं बल्कि फील्ड में भी उतर चुके हैं। ठीक, और अभी